हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास डेली डोज। आज हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी से एक ऐसा नाश्ता जो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा पत्ता गोभी लिया है और इसे इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी को कट कर लिया है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। इसे मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे। तो मैं अच्छे से पत्ता गोभी से पूरा पानी निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे लंबा लंबा कट कर लेंगे। और एक शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन। अब हम इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब हम कुछ मसाले मिला देंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है। इन सबको मैं इस पत्ता गोभी में ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें साबुत धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अब बाइंडिंग के लिए हम 5 चम्मच बेसन यूज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल रही हूँ, अगर हमें लगेगा तो हम और ऐड कर देंगे। और 5 चम्मच चावल का आटा लेंगे। चावल के आटे से हमारी पेटीज बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो मैं चावल का आटा भी यहाँ पे पहले 3 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम आटा और ऐड कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक डो रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डो रेडी कर लिया है। अब इसकी मीडियम साइज़ की हम पेटीज बना लेंगे। पेटीज ना ज़्यादा हम पतली रखेंगे ना मोटी, जैसे हम आलू की पेटीज बनाते हैं ठीक उसी तरीके से हम बना के इसे डीप फ्राई कर लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही डीप फ्राई करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये एक तरफ से अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से पकने देंगे। तो देखिए, हमारी पेटीज का दोनों तरफ से कलर कितना अच्छा आया है। तो हमारी पेटीज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल के सर्व करेंगे। तो है ना दोस्तों, अब बिल्कुल आसान रेसिपी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।